बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ खैर आफ़ियत से होंगे आप। जहाँ भी है अल्लाह तबारक व ताला आपको हमेशा खुश रखे, तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से आपकी हिफाजत फरमाए। आज की इस वीडियो में आपको वो दुआ बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से, छोटी सी दुआ है जिसके ज़रिए से आप अल्लाह तबारक व ताला से गैबी मदद हासिल कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह से अल्लाह तबारक व ताला से गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं, आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, माशी तंगी में गिरफ्तार है, कारोबार का मसला है, रोज़ी का मसला है, चाहे किसी भी तरह से आप परेशान हैं, किसी मुसीबत में हैं, चाहे आपके घर में कोई बीमार है, बीमारियां दूर होने के लिए अल्लाह तबारक व ताला से गैबी मदद चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको वो दुआ बताने वाला हूँ जो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में जब उनको डाला जा रहा था तो उस वक्त पढ़ी थी। तो आइए आज की इस वीडियो में वो छोटी सी दुआ जानते हैं, उसको पढ़ के अल्लाह तबारक व ताला से गैबी मदद हासिल करते हैं, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाहुर्रहमान फिर हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी, मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियों से निजात मिल जाएंगी। अल्लाह तबारक व ताला गैब के ख़जानों से रिज़्क़ के असबाब मुहैया करेगा, दौलत के असबाब मुहैया करेगा। इस दुआ को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ उस वक्त पढ़ी थी जब उनको आग में डाला जा रहा था, तो आखिरी अल्फाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये थे, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। तो आप पूरे दिन में जिस वक्त हो सके कसरत से पढ़ते रहे, लेकिन मैं आपको मखसूस वक्त बताता हूँ। अगर आप इशा की नमाज के बाद या फिर तहज्जुद के वक्त, ठीक है, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोने के वक्त या फिर तहज्जुद के वक्त, जिस वक्त तहज्जुद पढ़ते हैं उस वक्त अगर आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो फिर आपको अल्लाह तबारक व ताला ऐसी ताकत अता करेंगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल देगा। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील आप 313 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला से रोकर, गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगे कि ए रब करीम, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा कर मेरी परेशानियों को दूर फरमा दे, मेरी मुसीबतों को दूर फरमा दे, मैं कर्ज़ों में डूबा हुआ हूँ, कर्ज़ों से निजात दे दे, परेशान हूँ, परेशानी से निजात दे दे, घर में फलां बीमार है, मेरे वालिदैन बीमार है या वो बीमार है या मैं बीमार हूँ, इसके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व ताला यकीनन आपकी दुआओं को कबूल फरमा कर उसी वक्त गैबी मदद उतार देंगे आपके लिए। आप यकीन मानिए, आप यकीन के साथ इस तस्बीह को पढ़िए। जो लोग कहते हैं ना कि मैं 12 साल से परेशान हूँ, 20 साल से परेशान हूँ, हमारे घर के कोई भी सुकून से नहीं रह पाते, तो आप इसको पढ़े, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात काफ़ी है, मेरे लिए सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। अल्लाह तबारक व ताला को ऐसे अल्फाज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मुसीबत के वक्त कोई इंसान अल्लाह को पुकारता है ना, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल करते हैं, उनकी मुसीबतों को दूर कर देते हैं। तो आप इसको पढ़िए 3 मरतबा दुरूद शरीफ, बीच में 313 मरतबा इसको पढ़ लीजिए, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआएं मांगिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।